हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ऐसे आपके कंप्यूटर में भी ये प्रॉब्लम आ जाता होगा, जिसमें F1 प्रेस करने के लिए कह रहा है और इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन का आता है जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हैं। तो जब आप F1 प्रेस करेंगे तभी आपका कंप्यूटर आगे बूट होगा और विंडो को लोड कर पाएगा। तो ये F1 प्रेस करते ही आपका लोड तो हो जाएगा, लेकिन बार बार आपका डेट और टाइम जो है रीसेट हो जाता होगा। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो यही प्रॉब्लम F1 का आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि आपके मदरबोर्ड में एक CMOS सेल होता है, उसका जो वोल्टेज है वो ख़त्म हो चुका होगा, उसे आपको रिप्लेस करना होगा। तो रिप्लेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप अपने सिस्टम को ओपन करें और मदरबोर्ड में आप देखेंगे ये छोटा सा सेल आपके मदरबोर्ड में लगा होगा। बस आप पुराने वाले को निकाल के और इसे न्यू आप मार्केट से ख़रीद के लाएँ और उसे दोबारा से लगा दें, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपए का आ रहा होगा। आप इसे इंस्टॉल करें और दोबारा से जब भी आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपको ये F1 के लिए नहीं बोलेगा, और डेट और टाइम भी एक बार जब आप सेट कर देंगे तो दोबारा वो डेट और टाइम जो है आपका रिसेट नहीं होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।